I'm your class teacher. Today we are studying English grammar for class 2. And student, our first chapter is the letters, words and sentences. Letters. अक्षर क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. तो letters. Letters means होता है वर्ण या अक्षर. हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर होते हैं. देयर आर 26 लेटर. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. स्टूडेंट, लेटर्स दो तरीके से लिखे जाते हैं. पहला है कैपिटल एंड सेकेंड है स्मॉल. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्टाइल है ये कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग आता है और हमें स्मॉल लेटर लिखना है. तो स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर यस T U V W X Y Z. स्टूडेंट, इस स्टाइल को हम स्मॉल लेटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं. अब ये तो कंफर्म हुआ हमारा लेटर. हमने आज लेटर में ये पढ़ा कि लेटर कुल मिला के 26 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और इसे हम जिस तरीके से लिखते हैं प्रॉपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे हम लिखते हैं इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. ये दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक कैपिटल हुआ और एक स्मॉल. कैपिटल मैंने आपको लिख कर दिखाया था और मैंने स्मॉल लिख दिया. तो अब इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और मैं उसे रिपीट भी कर सकती हूँ. पहला है कि आपको लेटर प्रॉपर ऑर्डर में लिखने हैं. कैपिटल लेटर में आपको लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. और सेकेंड क्वेश्चन है आपका कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर यानी कि ए टू जेड को आपको जो वावल है और जो कंसोनेंट है, वावल को आपको रेड कलर में और कंसोनेंट को आपको ग्रीन कलर में कलर करना है. और आप तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी के भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं, एंड हाउ मेनी वावल्स एंड कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट.
इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं और कितने कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नाउ सेकेंड गेस्ट टॉपिक इज वॉवल्स एंड कंसोनेंट। बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है स्वर और व्यंजन। इंग्लिश अल्फाबेट में जैसे कि हम जानते हैं कि कुल 26 अक्षर होते ही हैं। इट इज 26 लेटर इन लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो 26 लेटर्स में से हम किस प्रकार से वॉवल्स और कंसोनेंट को पहचानेंगे, यही हम आज करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी, हमने क्या किया है कि पहले हमने ए से लेकर जेड तक पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए टू जेड लिख लिया है। अब हम लिखते हैं ए, ए को हमने किया सर्कल, ई को हमने किया सेकेंड सर्कल, आई को थर्ड, ओ को फोर्थ एंड लास्ट एंड लीस्ट यू को हमने फिफ्थ सर्कल कर लिया। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ए ई आई ओ एंड लास्ट इन लिस्ट यू। सो स्टूडेंट्स वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, देयर आर योर आवर वॉवल्स। ये हमारे स्वर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हम कंसोनेंट कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ से हमने सर्कल लगाया है, जिसको हमने सर्कल लगाया है, जिन लेटर पे हमने सर्कल किया है, नंबरिंग किया है, उस लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं उन लेटर्स को हम लिख लेते हैं। जैसे बी सी डी ई, बी सी डी या जी याच, जे के एन एम एन पी क्यू आर यच टी यू, सॉरी यू नहीं, बी डब्लू एक्स वाई जेड। अब बच्चों से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. कितने लेटर बचे, 21। सो चिल्ड्रन 21 लेटर्स वॉवल्स निकालने के बाद जो बचते हैं वही हमारे क्या है, कंसोनेंट्स। क्या है, कंसोनेंट्स। जैसा कि पहले टॉपिक में मैंने आपको वॉवल से रिलेटेड और कंसोनेंट से रिलेटेड होमवर्क दे दिया है, सो नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट आवर सेकेंड आर थर्ड सेकेंड टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। बच्चे शब्द कैसे बनते हैं ये तो हम सब जानते होंगे, क्योंकि शब्द 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 सुने भी होंगे, लेकिन बनते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि शब्द होते क्या हैं। तो सुनिए, वेट टू आर मेल टू आर मोर लेटर्स ज्वाइन टूगेदर टू गिव सम मीन इश्कार वर्ड। जब दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द बने कैसे, चलिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई शब्द या लेटर ले लिया एम, एम लेटर ले लिया, अब इसमें हमने ऐड किया ए, फिर मैंने इसमें एक नया लेटर ले लिया यन, अब एम ए एन, अब इसे हम मिलाकर पढ़ते हैं मैन। कितने लेटर लिए मैंने, 1, 2, 3,
थ्री लेटर लेकर मैंने एक शब्द बनाया मैन। इसी प्रकार अब हम एक अलग सा दूसरा वर्ड बनाते हैं, जैसे जी। जी में मैंने ऐड किया नेक्स्ट लेटर आर, फिर मैंने इसमें ऐड किया ए, फिर मैंने इसमें ऐड किया ई, फिर इसमें मैंने ऐड किया ई लेटर, फिर एस। हमने टोटल कितने लेटर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बार हमने अपने उदाहरण में 6 लेटर लिए। अब इन 6 लेटर को हम एक साथ लिखेंगे, जी आर ए पी ई एस, यानी कि ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स क्या होते हैं? अंगूर। एक अंगूर नहीं, पूरा गुच्छे वाला अंगूर। सबको पसंद है? मुझे भी। सो बच्चों, इस प्रकार से हमने या इस तरीके से, इस प्रोसेस से हमने शब्द बनाना सीखा। इसी तरीके से आप लोग भी नए नए लेटर्स जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाइए या फिर शब्द बना लीजिए। अगला है हमारा टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं, आज के टॉपिक में यही हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे एक सार्थक वाक्य, सार्थक शब्द बने, उसे हम वाक्य कहते हैं। सो कैसे बनते हैं सेंटेंस? सेंटेंस बनते कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने वर्ड बनाया उसी के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड लेकर हम उसे प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया राम। राम एक लड़के का नाम है। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अभी देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं करने वाली हूँ। राम एक लड़के का नाम है। तो नाम, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं हम लोग जानते हैं वो संज्ञा होता है। तो लड़के का नाम होने की वजह से इसका पहला लेटर हमने कैपिटल लेटर में लिखा। पहला लेटर हमने इसे कैपिटल लेटर में लिखा और राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, सुनने में एक स्पष्ट अर्थ प्रदान कर रहा है या स्पष्ट क्लियर साउंड आ रही है, क्लियर सेंटेंस लग रहा है। तो फिर लास्ट में हम इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो जैसे ही हमने फुल स्टॉप लगाया, हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसमें देखिए, हमने 1, 2, 3, 4, 5 तरह के वर्ड रखे हुए हैं और उसे हमने प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बना। अब देखिए, जितने भी सेंटेंस को हम जब भी लिखें तो पहला वर्ड कैपिटल होता है, और जब किसी कोई नेमिंग वर्ड हो, किसी का नाम हो, तो भी कैपिटल वर्ड, वो पहला वर्ड कैपिटल होता है। और जब लगे कि नहीं, ये एकदम सरल है, एकदम कथनात्मक है, कोई कह रहा है, बात पूरी हो गई है, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और जब हमसे कोई सवाल पूछे, हमसे जब कोई सवाल पूछे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हैं। इस तरह से जब कोई हमसे सवाल पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन या सवाल पूछने वाला कोई सेंटेंस हो तो लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाते हैं। इसे हम इंट्रोगेटिव मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। और जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल होता है। बच्चों, आपको आपका होमवर्क तो मिल गया होगा और आज का हमारा क्लास 2 का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। और इसी के बेस पे मैंने आपको होमवर्क भी दे रखे हैं, तो आप होमवर्क
आपकी पैन होमवर्क कॉपी में लिख कर